सो नाउ स्टूडेंट्स अभी आपको बेसिक uh, एच बताने का इंटेंट या ऑब्जेक्टिव ये था कि मूविंग फॉरवर्ड जब हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो uh, उस वक्त हमें बेसिकली ये चीज़ थोड़ी देखनी है कि कुछ कीवर्ड मैं यूज़ करूंगा लाइक मेटा टैग क्या होता है टाइटल uh, क्या होता है तो वो आपको बिल्कुल यू you नो know, बिल्कुल कोई नई चीज़ ना लगे असल इंटेंट ये था कि यहाँ तक पहुँचना था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है तो पहले सिंपल ये समझें कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो गोल है वो ये है कि सपोज मेरा एक वेब पेज है या मेरी एक वेबसाइट है किसी भी टेक्नोलॉजी में बनी हुई है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को टेक्नोलॉजी से कोई गर्ज नहीं है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी वेबसाइट है वो सर्च इंजन में हाई रैंक पर आनी चाहिए मतलब इसका ये है कि जब भी कोई एंड यूज़र कोई कीवर्ड सर्च करता है और मेरी वेबसाइट उस कीवर्ड को मैच करती है तो मेरी वेबसाइट सर्च में ऊपर आनी चाहिए यानी जो उसकी रैंकिंग है जो हमने पेज रैंक डिस्कस किया था इससे पहले पेज रैंकिंग जो है वो जितनी ऊपर आएगी उतना चांस ही होगा कि मेरी वेबसाइट के पोटेंशियल क्लाइंट्स ज्यादा होंगे मतलब यह है कि सर्च इंजन का काम आप ये समझें कोई स्पेशल कोडिंग नहीं है यानी इसका काम सिर्फ ये है कि ये डिफरेंट टेक्निक का कम्बिनेशन है जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो वो कम्बिनेशन इस चीज़ का है कि जो वेबसाइट की रैंकिंग है उसको एनहांस करना है। और कोई इसका इसके अलावा गोल नहीं है मतलब ये कि हम इसमें कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ने लगे हम सिर्फ ये देखेंगे कुछ टेक्निक्स हैं जिससे वेबसाइट की रैंकिंग एनहस होती है वो डिफरेंट टेक्निक्स का ये कम्बिनेशन है ना अब ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है इट्स इट्स साउंड वेरी इजी या बहुत आसान लगता है लेकिन आ, जो इसकी जो एक चीज़ बोलते हैं ना डेवल इज इन द डिटेल्स मतलब जितना ये आसान लगता है उतना ही एक्चुअली है नहीं रीज़न रीज़न है वो रीज़न ये है कि देर इज बिलियंस ऑफ वेबसाइट जो कि इंटरनेट में मौजूद है और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हर वेबसाइट का बिल्कुल ही यूनिक कंटेंट हो ऐसा नहीं होता या हर वेबसाइट को एक बिल्कुल नया आइडिया हमें आ, हमें बता रही है ऐसा नहीं होता मतलब ये कि बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा कंपटीशन है बहुत ज्यादा कंपटीशन है और यूजर्स जो हैं वो वही हैं जो ब्राउजर या जो इंटरनेट के ऊपर ब्राउजिंग कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं लेकिन उनके मुकाबले में जो वेबसाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यानी आसान लफ्ज़ों में कि लेट सपोज अगर मुझे बाइक्स का शौक है तो अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में बाइक से रिलेटेड एक ही वेबसाइट है मिलियंस ऑफ वेबसाइट होंगी तो उन मिलियंस ऑफ वेबसाइट में आपकी जो रैंकिंग है वो सर्च में जितनी इंप्रूव हो सके ये बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन तमाम टेक्निक्स को यूज़ करती है तो जो उसके अंदर मेन मेन टेक्निक्स है ना वो इंप्रूव कीवर्ड्स हैं बैक लिंकिंग है ये हम डिस्कस करते हैं बैक लिंकिंग क्या चीज है कंटेंट जो है कंटेंट याद रखें किसी भी वेबसाइट के अंदर ये की होता है यानी अगर आपने सर्च सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर या सर्च इंजन के अंदर जो पेज की रैंकिंग होती है एस ई आर पी एक चीज होता है सर्च इंजन पेज रैंकिंग वो अगर आपने इंप्रूव करनी है आसान लफ्जों में कि मैंने अगर मोटरसाइकिल मोटर बाइक को सर्च किया हैवी हैवी बाइक को सर्च किया गूगल पे तो जितनी मेरी पर्टिकुलर वेबसाइट सर्च में ऊपर आएगी उन टेक्निक्स का नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नथिंग मोर नथिंग लेस तो इसको अपने दिमाग में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं लेके आनी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना सिर्फ इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम लोग अप्लाई करते हैं मतलब आप यूं समझें कि जिसा हमने शॉपिंग कार्ट सेटअप किया था तो हमने मेजेंटों को एक्सप्लोर किया था हमने प्रेसर शॉप देखा था मतलब तो ये कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये कोई नया टूल नहीं है ये एग्जिस्टिंग चीज़ों यानी जो एच हमने अभी देखी है बेसिक उसकी ऑप्टिमाइजेशन है बेसिकली तो नथिंग न्यू इन इट बट इट इज़ अ बेटर यूटिलाइज यानी एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हमारे पास उनको हम बेहतर तरीके से या एक ऑर्गेनाइज तरीके से यूज करने के डिफरेंट टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे